ये फंस गया बेचारा। अब निकलेगी भी नहीं, उतर के निकालना पड़ेगा शायद। या तो फिर बंदा बहुत एक्सपीरियंस है, वो निकाल लेगा उधर से। देखते क्या होता है इधर पे। क्या हुआ, नहीं निकाल रहा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। सो गाइस, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि धनतेरस है, और आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो गाइस, अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और सनराइज़ हो चुका है, ये देखो। तो गाइस, आज चलेंगे मार्केट और मार्केट चल के आपको मिलाएंगे। तो अभी तो सुबह है, मतलब 10-11 बजे तक में मार्केट चलेंगे। मार्केट जब चलेंगे तो आपसे मिलाएंगे, मतलब मिलेंगे, फिर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आज क्या कुछ लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम रेडी हो गए हैं मार्केट जाने के लिए। मम्मी तो जा नहीं रही हैं क्योंकि उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब है। तो मैं, दीदी और भाई जा रहे हैं मार्केट, और ये रही अपनी स्कूटी। तो हम तीनों जाएंगे मार्केट और देखते हैं क्या लेते हैं वहाँ से, क्योंकि आज धनतेरस है, कुछ ख़ास चीज़ें लेनी पड़ेंगी। और देखते हैं, शायद दीपावली का भी सामान आज ही लेकर आ जाएंगे, क्योंकि बार बार कौन जाएगा, इसलिए देखते हैं। वहाँ चलने के बाद देखते हैं क्या कैसे है, फिर उसके बाद मतलब उसके हिसाब से सब कुछ खरीद लेंगे। अगर ज़्यादा सामान हो गया तो नहीं खरीदेंगे, नहीं हुआ तो खरीद लेंगे। तो चलते हैं और फिर वहाँ चल के आपसे मिलते हैं। तो चलते हैं। भाई आ रहा है गाड़ी लेकर, और कुछ इस प्रकार से रास्ता है हमारे गांव का। ये देखो, बंदे से संभलेगी नहीं गाड़ी। ये फंस गया बेचारा। अब निकलेगी भी नहीं, उतर के निकालना पड़ेगा शायद। या तो फिर बंदा बहुत एक्सपीरियंस है, वो निकाल लेगा उधर से। देखते क्या होता है इधर पे। क्या हुआ, नहीं निकल रहा। ये देखो, लग रहा है बंदा गिर जाएगा। हाँ बोलो। ये देखो, ले लेना, बंदे के स्लीपर उतर गया है? अभी देखो क्या होता है। नहीं, यहाँ मिलती भी है तो बहुत बड़ी मिलती है, वहीं से लेते हैं। अब वो जा तो रहा है। चलो, हो गया रास्ता, ये खराब वाली सही हो गई है। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं, हम लोग निकल रहे हैं। तो गाइस, हम इधर से आने वाले नहीं थे, पर मम्मी ने बोला कि इधर से चले जाना, और हम आए। और आपने देखा ही होगा भाई, कैसा कितना बेकार रास्ता था भाई। स्कूटी की ऑफ रोडिंग आपने देख ली होगी। और इससे अच्छा तो वो नहर वाली थी जो पिछले वाले रास्ते से आते थे अपन। भाई बहुत गंदी रोड है यार, अगली वापस आते टाइम तो इधर से आएंगे ही नहीं, उधर से जाएंगे भाई। थोड़ा घूम लो, वो सही है भाई, इधर तो अगली बार आते टाइम तो गिर ही जाएंगे। सामान ज़्यादा रहेगा ना इसलिए। भाई इनको बिठाया होता तो इसी बार वहीं पर पूरा, समझ रहे हो ना, खेल खत्म, वापस घर जाना पड़ता। तो चलते हैं और आपसे डायरेक्ट अब मार्केट में मिलते हैं। ठीक है। ये देखो, हम लोग जा तो रहे हैं, ठीक है, मगर गाड़ी का तेल देख सकते हो कितना है। अब गाड़ी पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई, पहुँच तो जाएगी। चलते हैं और भाई एक बारी गाड़ी में तेल फुल करवाते हैं और हवा चेक कराते हैं, क्योंकि थोड़ा हवा का भी लग रहा है इशू है। तो चलते हैं, तेल भरवाते हैं फुल हवा लब, और हवा गाड़ी का चेक करवाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने मार्केट, और अभी तो खैर गाड़ी पे पेट्रोल नहीं है, तो वही हम जाएंगे डलाने और दीदी को आगे ड्रॉप कर देंगे ताकि वो सामान वगैरह लेती रहें। तो पेट्रोल पंप में पहुंचने के बाद बात करते हैं सीधे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं पेट्रोल टंकी के पास, और अभी दादा जाएगा पेट्रोल डलवाएगा, डलवाने के बाद हवा भी चेक करवाएगा। तब तक भाई साहब देख सकते हो कितना भीड़ है, कितना भीड़ है, कितना टाइम तक लग सकता है अभी तो पता नहीं। तो चलिए अभी देखते हैं और आगे का क्या होता है प्रोसेस, वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ये देखो, अंकल डाल रहे हैं पेट्रोल इस पर, और अभी आगे का देखते हैं। कितने का डला रहा है? 400। 400 का देखो डला रहा है, ताकि आगे जो घर पे काम वगैरह लगता है वो ना लगे, मतलब काम लगे लेकिन
मम्मी कुछ ना कहें। अभी तो ये भर चुका है, शायद हवा डलाने जाएंगे अपन, तो चलो हवा डलाते हैं। वो पीछे से गाड़ी लेकर आएगा, अभी हम देखते हैं क्या होता है। इधर गया ये रहा। चलना हवा चेक कराना ना अभी। लाइट नहीं है, ये प्रॉब्लम। अब क्या होगा, अब तो चेक नहीं हो रहा है। लाइट कब आती है अंकल? लाइट कुछ भरोसा है नहीं, तो वाली तो चली। ये तो हमेशा खराब रहता है, पहली बार वो लाइट के कारण खराब रहा, बाकी सही है। लाइट आ जाए जा मैं आता हूँ तो यहाँ कभी कोई नहीं रहता। लाइटें नहीं है तो कहाँ करे, दूसरा काम करे ला गए। अरे वाह, कहाँ करे बेटा, चल बेटिया ठीक है। गाइस हवा तो चेक हुआ नहीं, लाइट ही नहीं है यार, तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं भाई निराश होकर। अभी अब अगली बार देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। चलते हैं दुकान में चेक करवाते हैं, कोई बात नहीं भाई। यहाँ तो मैं कई बार आया हूँ भाई, कभी भी यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है चालू करने के लिए या फिर हवा चेक करने के लिए। तो आज बस बैठे थे तो एक बहाना है कि लाइट नहीं है। मैं भाई मतलब हर तीसरे चौथे दिन आता हूँ भाई, कोई रहता ही नहीं हवा चेक करने वाला भाई। इंडिया में तो ऐसा ही चलता है सब कुछ, काम चलाऊ। तो चलते हैं दुकान में चेक करवाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, चलते हैं। सो हम आ चुके हैं यहाँ, ये मोटर की दुकान पर। चेक करते हैं कि यहाँ चेक हो सकती है हवा या नहीं। अभी देखते हैं कि होता क्या है। ये भैया नहीं होगा, यहाँ पास तो नहीं हो रहा है। बस और चल आगे से आते हैं, वहाँ पे चेक हो जा रहा है। वेट, चलो अभी अपन चल रहे हैं उस साइड, वहाँ पास चेक हो जाएगा और फिर हवा डला के फिर चलते हैं दीदी के पास। देखते हैं कि दीदी के पास तक क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और उसने अभी तक सामान लिया या नहीं। लगा? हाँ लगा। कहाँ? पैर में? पैर पे, इतना किनारे से निकाल रहा है। तो अभी तो भैया उस वाले गाड़ी पे चेक कर रहे हैं, देखते हैं कब तक मैं इधर पे करता हूँ। अभी उसमें भर रहे हैं, इसका जब टाइम आएगा तब आपको। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं मार्केट में अंदर की तरफ, क्योंकि दीदी बोल रही है कलर वगैरह लेना है और दीपावली का भी सामान ले लेते हैं पूरा। बोला ले लो, तो चल रहे हैं अंदर साइड, देखते हैं भाई। भीड़ तो आज बहुत है यार, क्योंकि धनतेरस है ना, तो भाई भीड़ तो सच में आप लोग देख ही रहे होगे भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, देख रहे हो भाई, बहुत भीड़ है यार, देख रहे हो भाई। गाइस ये देखो गाइस, यहाँ तो कहीं पे भी कलर ही नहीं मिल रहा यार, रंगोली वाला। रंगोली कलर है गाइस, ये देखो बहुत थोड़ा सा रखे हैं यार, मिल ही नहीं रहा है जितना चाहिए। देखते हैं कहाँ पे मिलता है, आगे साइड चलते हैं और आप देखते हैं कहाँ पे मिलता है। गाइस ये देखो कहीं पे मिला नहीं, यहाँ पे हम आए हैं भाई, छोटे छोटे पैकेट ही मिल रहे हैं। दुकान वाले भैया लोग भी बोल रहे हैं भैया इस बार छोटे छोटे ही पैकेट हैं, तो देखते हैं दीदी डिसाइड करेगी लेना है कि नहीं। तो ये देख रही है, पसंद आएगा तो लेगी, अदरवाइज देखते हैं भाई। मेरे को लग नहीं रहा है भाई कि बड़े बड़े पैकेट मिलेंगे कहीं पे, तो देखते हैं क्या कुछ होता है, फिर आपको दिखाते हैं और आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये दोनों सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सा कलर लेना है। ये देखो उधर वो बता रहा है, इधर दीदी, दोनों कंफ्यूजन में है कि कौन सा कलर लें कौन सा नहीं लें, दोनों डिस्कस कर रहे हैं भाई। इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा लें कौन सा नहीं लें, तो देखते हैं और फिर उसके बाद कलर लेने के बाद आपसे मिलते हैं।
तो गाइस कलर सिलेक्ट कर लिए हैं और अभी दीदी देख रही है झाड़ू, देखते हैं कौन सा झाड़ू लेती है। वैसे झाड़ू में क्या ही देखना, कोई सा भी एक ले लेंगे और देखते हैं अभी क्या क्या लेते हैं और आपको ऐसे ही दिखाएंगे और बताएंगे। मतलब थोड़ा बहुत वो सोना चांदी लेने। तो गाइस आपको बताएंगे तो नहीं कि क्या लिए हैं, पर आपको ये बता दिया कि दीदी गई है सोना चांदी लेने। तो अभी हम मतलब रोड पर खड़े हैं, तो दीदी ये ले सोना चांदी, उसके बाद चलते हैं बाहर साइड, मतलब प्रसाद वगैरह लेंगे दीपावली के लिए, और उसके बाद देखते हैं कपड़े की दुकान में चलेंगे, देखते हैं अगर टी शर्ट वगैरह पसंद आ गए तो लेंगे एक आध दो, और फिर कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर घर चलेंगे। तो देखते हैं फिर आगे का मिलते हैं, आगे काम करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। वो रहे दीदी और छोटा वाला भाई, दोनों देख रहे हैं कि कौन सा लें कौन सा नहीं। तो वह अभी आदित्य गया है बताने कि कौन सा अच्छा है, तो दोनों पसंद कर रहे हैं, पसंद कर लें उसके बाद देखते हैं कौन सा पसंद करते हैं, पर आपको दिखाएंगे नहीं कि कौन सा लिया है। तो ले लें और उसके बाद चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। भाई फाइनली मैं मार्केट से आ गया हूँ। भाई 2 बजे गए थे और अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं। भाई अंधेरा हो गया आते आते, और भाई गांव साइड रास्ता तो मतलब समथिंग 1-2 किलोमीटर भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, और देर तो इसलिए हो गई क्योंकि वहाँ तो भाई इतने ज़्यादा कस्टमर भाई शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा। आप लोग समझ ही सकते हो आज अंधेरा था भाई, हर कोई मार्केट में, आपको दिखाया भी था पीछे की मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो पे थम्स अप, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।